गली में चोरी करता है। कहाँ है सत्या? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, काफी दिनों से मैकेनिक चेयर में नहीं आया है। भैया जी उसके बीच में कुछ हो गया था। मेहरबानी करके पढ़िए, सारा मामला यहीं से शुरू हुआ था। पढ़िए। इसी सबूत के लिए मैंने आपके भैया को धमकी दी थी, लेकिन उनकी मौत हो जाएगी सोचा भी नहीं था। उनके लक्ष्य को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य बन गया है। मैंने ये सबूत सही आदमी को सौंप दिया है। इसके बाद भी आप मुझे मारना चाहेंगे तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। ये एनकाउंटर विजय मूर्ति अभी तक किसी से माफी नहीं मांगा है। सॉरी सत्या। बोलिए, मैं जज बोल रहा हूँ। सर मैं असिस्टेंट कमिश्नर विजय मूर्ति बोल रहा हूँ। पूर्व मंत्री वीवीआर के ऊपर एक खून का केस है, इमीडिएटली अरेस्ट वारंट लेना। आप आइए, मैं घर पे हूँ। जला दो इसे। मार दो उसे। अरे अरे सत्या मार दो उसे। सत्या मत छोड़ो उसे। सत्या सत्या मार दो उसे। हे हे
क्यों बिना मारे उसको छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? ए सत्या, अरे मैं तुमसे पूछे जा रहा हूं, क्यों छोड़ा तुमने उसको? सत्या, आपके भैया के कारण है, आपके भैया के कारण है। मरते समय भी आशीर्वाद दे गए, हाँ वो उधर मूर्ति का कारण है। उनके मौत का प्रायश्चित करने के लिए ही सर मैं भाग रहा हूं। नहीं सर, मैं किसी को जान से नहीं मार सकता। hey, कौन है वो? कलेक्टर लीलावती को जिंदा जलाने वाला हैवान है वो। अरे कानून भी उसको जरूर फांसी की सजा देगा। वो सारे सबूतों को जलाकर राख करके चला गया। अब उसे कोर्ट के कटघरे में क्या, कोर्ट के दरवाजे पर भी खड़ा नहीं कर सकूंगा मैं। छोड़ दिया उसे, छोड़ दिया रे उसे। मारपीट से कभी भी जीत नहीं हो सकती। सच्चाई को जीतने का एक ही रास्ता है, अहिंसा। अहिंसा के रास्ते पर चलने से ही सच्चाई की जीत होती है। पूरी दुनिया के सभी हथियारों में से सर्वश्रेष्ठ हथियार है अहिंसा है। रास्ता है सर, सजा दिलाने का रास्ता है। कैसा? उस कलेक्टर की हत्या हुई है ना सर? हाँ। लीलावती का खून बीबीआर भैया जी ने किया था, ये सच है ना सर? हाँ। इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए, सच है ना सर? हाँ भाई। इतने सच हमारे पास रहते हुए भी हम झुक क्यों रहे सर? सच्चाई के रास्ते पे जाकर सच्चाई की जीत करवाएंगे। वो कौन सा रास्ता है मुझे मालूम हो गया है। उसी रास्ते पे जाने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया। क्यों रे, तुम अहिंसा के रास्ते में लड़ाई लड़कर जीतने वाले हो? हाँ जी। तुम पागल हो गए हो क्या? गांधी को मारने वाले गोडसे के लिए भी दुआ मांगने वाले लोग आज भी इस देश में हैं। इस युग में आकर तुम सत्याग्रह करके क्या जीतने वाले हो? मैं युगों में विश्वास नहीं करता सर, सच्चाई में विश्वास करता हूँ। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी को जिताने वाले सच्चाई इस युग में भी हमें जीत दिलाएगी या नहीं दिलाएगी, मैं ये आजमाना चाहता हूँ। ये देख, सच्चाई सच्चाई बोलकर तुम भूखे ही मरने वाले हो। गांधी मार्ग में एक अनाथ की मौत हो गई, ये खबर एक खबर बनकर ही रह जाएगी। तुम भूखे रहकर कुछ साबित नहीं कर सकते। इस महात्मा के भूख के आगे हार के अंग्रेज भी देश छोड़ के भाग गए सर। एक लक्ष्य के लिए दूसरे की जान लेने से बेहतर होगा अपनी ही जान त्यागना। एक सच्ची लड़ाई है, इन्होंने साबित किया है। इनके रास्ते पे ही चलना अभी मुझे सही लगता है। मैं देखता हूँ तुम जान गवाते हो या साबित करते हो। पागल पागल है। जी अचानक यहाँ कैसे आए? अगला महीना गांधी जी का जन्मदिन है। एडिटर साहब गांधी जी के बारे में लिखने को बोले हैं। गांधी मार्केट के लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचते हो ये पूछने के लिए आया हूँ। अच्छा वो कौन है? बदन में पूरा खून और चोट है, क्या है, कोई प्रॉब्लम हुआ वो था? कौन है हमें नहीं मालूम। सुबह 4 बजे से दुकान खोलते समय से देख रहा हूँ, वो अकेले ही बैठा है। कौन से एरिया का है मालूम नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सर चाय लेंगे? सर क्या यहाँ मारा मारी हुआ था? पुलिस कंप्लेन देना है सर। मैं एक रिपोर्टर हूँ, जो भी आप बिना डरे हुए बताइए। एक सच्चाई पर रोशनी डालनी है। कौन सी सच्चाई सर? 6 महीने पहले कलेक्टर लीलावती कार एक्सीडेंट में मरी थी। वो हादसा नहीं था, हत्या हुई थी। खून हुआ था? किसने खून किया सर? पूर्व मंत्री वीबीआर ने। ये देखिए भैया जी, गांधी के मूर्ति के आगे पोज दे रहा है। मुझे अरेस्ट करने तक अनशन में रहेगा। ए, सबूत को जलाने से नहीं चलेगा, उसको भी जलाओ। पेपर तक आ गया है और तुम लोग चुप बैठे हो। अगर अभी आप मंत्री मुंह बंद कर, नहीं तो फोड़ डालूंगा। शंकर सर, कहाँ है हमारा पुलिस वाला? सुबह से कुछ बिना खाए बैठा हुआ है, कौन है आदमी? चलो यहाँ से।
नहीं सर, सुबह से कुछ खाए पिए बिना अनशन में बैठा है सर। वो सब हम देख लेंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो क्यों रे? अनशन कर रहा है क्या? पुलिस से परमिशन लिया क्या? ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर बैठना मना है। कॉन्स्टेबल धक्के मार के बाहर निकालो इसे। चलो उठो उठो, चलो चलो उठो, चलो चल चल। समझ नहीं आ रहा देखो। चलो तुम लोग यहाँ से, चलो 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 यहाँ से। चलो हटो हटो उधर से, चलो चलो इधर से हटो, ए हट, चलो चलो चलो। क्या साले देता है? क्या रे साले, तेरी इतनी हिम्मत? चलेगा ऐसा सोचकर सुबह से अनशन कर रहा है और उसी को तुम मार रहे हो, अपनी वर्दी का रूप झाड़ रहा है। उस दिन दो रावड़ी आकर हफ्ता मांग रहे थे, पुलिस को फोन किया तो कोई नहीं आया। तुमको मामा ने बुलाया या भांजे ने बुलाया, किसने बुलाया? तुम उस लड़के को हाथ लगा कर तो देखो, सही सलामत घर नहीं जाओगे। वर्दी पहनने से तुम अपने आप को गवर्नमेंट समझने लगे हो क्या? यहाँ पर क्या हो गया कि तुम केस करने को आ गए हो? चलो जाओ यहाँ से। यही कोई राजनीति करने वाला आदमी आता है तो तुम क्या उसे रोकने आते हो? अगर कोई शान से बैठा है तो तुम चले आए, तुम सब कब सुधरोगे? अगर तुम हथियार उठाते हो तो तुमको अकेले ही लड़ना होगा। अगर तुम हथियार लड़ोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ कल लड़ेगी। अरे पुलिस वाले, अगर इसके बाद तुम इस लड़के पर हाथ उठाए तो अनर्थ हो जाएगा। नमस्ते सर, हम ग्लोबस टीवी से आ रहे हैं। शाम के अखबार में हम आपके बारे पढ़े थे, आप एक अलग लक्ष्य के लिए अनशन कर रहे हैं, वही आज हम एक छोटे से एपिसोड में बताने वाले हैं। सर, यहाँ पर पूरी मीडिया है। इस वक्त हम उसे कुछ नहीं कर सकते। नया नया जोश में बैठा है, आप चिंता मत कीजिए, दो दिन में उठकर चला जाएगा। आप बोल रहे लीलावती का खून वीबीआर ने ही किया है, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? सबूत मेरे पास था लेकिन उसे जला दिया गया। बिना सबूत के कैसे सर किसी को गुनहगार ठहरा सकते हैं? सबूत मेरे पास नहीं है, मैंने बोला था, लेकिन सबूत दुनिया में नहीं है ऐसा नहीं बोला था। सच्चाई को हमें ही ढूंढना है। सच्चाई कभी मरती नहीं, वो कहीं पे तो जिंदा होगी ही, उसे सरकार को ढूंढना चाहिए, यही मेरी विनती है। बोलता हूँ गलत मत समझिए सर, आप भी एक गुंडे थे, सभी बोलते हैं, बहुत बार जेल जाकर भी लौटे हैं, ऐसा बताते हैं। आपकी बातों में सच्चाई है, ये हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? मैं राउडी था, ये सच है सर। इसी गांधी जी के मूर्ति के उद्घाटन के समय काला झंडा दिखाने वालों को मार मार के भगाने वाला, यही सदी सत्य है। एक रेलवे स्टेशन पे मोहनदास लाठी के मार खाने के बाद वो महात्मा गांधी बन गए। जिंदगी के चोट ने ही मेरा रास्ता बदल डाला। इस सत्य के जिंदगी में जो कुछ बीत रहा है वो सत्य की परीक्षा है। वीबीआर एक पूर्व मंत्री थे, राजनीति और सरकार में उनका अंदर से बहुत वट चलता है। एक अकेला आदमी क्या उनके खिलाफ जीत सकता है? वड़ा पलने गांधी मार्केट में मैं अकेले ही अनशन कर रहा हूँ। ये खबर आपके टीवी स्टेशन में पहुंची तो आप यहाँ आए हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है या झूठ है, आप मुझे ढूंढते हुए नहीं आए, ऐसे ही ढूंढने वाले, मेरे बातों की सच्चाई पे विश्वास करने वाले। मेरा साथ देंगे ये विश्वास मुझे है सर। ऐसे कितने दिन अनशन पे बैठने का आपने निश्चय किया है? सत्य की जीत होने तक, इस सत्य के बदन में जान होने तक। विजय मूर्ति, आप क्या बोल रहे हैं? वीबीआर एक पूर्व मंत्री हैं, भैया जी एक बड़े बिजनेसमैन हैं।
इतने बड़े वीआईपी को शक के बुनियाद पर पूछताछ करने के लिए कैसे ऑर्डर डाल सकते हैं? वो भी एक खून का मामला है। सर, लीलावती के खून का सबूत मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था सर। सिर्फ सबूत ही नहीं विजय मूर्ति, खून होते हुए भी देखने के बाद हमारी गवाही कोर्ट में मंजूर नहीं होती है। सबूत लेकर आइए, मैं ऑर्डर इशू करता हूँ। नहीं सर, उस डेट में उस नाम का कोई भी आदमी नहीं रुका। आपके बताए हुए डेट में लारी किधर भी नहीं गई थी सर, हमारी शेड। मुझे गलत मत समझिए सर, आपके भाई बहुत मेहनत से ये सबूत ढूंढे थे सर। अभी सभी चौकन्ना हो गए सर, अभी हम ढूंढे भी तो सबूत नहीं मिलेगा सर। सारे सबूत मिटा दिए। वहाँ एक आदमी सच्चाई की जीत के लिए अनशन पर बैठा है, उसके बारे में सोचने से ही दुख होता है। वो जीतेगा सर। कैसे रे जीतेगा, हाथ में कोई सबूत नहीं। भगवान है सर। नमस्ते छोटे भाई, मेरा नाम त्यागी नारायण मूर्ति है। 20 साल की उम्र में गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल हुआ था। इस देश की लड़ाई करने के लिए जवान लोगों को आगे आना चाहिए, ये बात सुनकर मेरे जैसे लाखों लोग उनके साथ आंदोलन में शामिल हुए थे। उनकी बातों में जो सच्चाई थी वही हमें खींची थी। तुम्हारी बातों में भी वही सच्चाई है, इसे मैं विश्वास करता हूँ। तुम्हारे साथ मैं भी अनशन में बैठता हूँ। फालतू राजनीति के लिए और प्रचार के लिए हम दुकान बंद करते हैं। हमारे एरिया पे आके सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहा है, इस आदमी का हम नहीं साथ देंगे तो कौन देगा? कैसे हम चुप बैठ सकते हैं? बंद करो दुकानें, सब बंद करो। लड़ाई के बहाने से कुछ लोग पेड़ काटते हैं, नहीं तो इंसान काटते हैं। ये तो अनशन में बैठा है ना, तो अच्छी बात है क्या मैडम? पार्टी शुरू करने के लिए लड़ाई कर रहा है क्या? सच्चाई की जीत होनी चाहिए, लड़ाई होने दीजिए मैडम। रावड़ी जरूर था लेकिन उसकी लड़ाई सही है। जनता के लिए लड़ाई किया था कलेक्टर लीलावती ने, समाज के लिए लड़े थे वकील उदय मूर्ति। इन दोनों की हत्या कर दिए वो लोग, इसका खुलासा होना ही चाहिए। इस सत्या को हम सब मिलकर साथ देंगे। उस पवित्र देवी को अपने हाथों से खाना खिलाया था, उस भली औरत का खून करने का कैसे मन किया होगा? वो जालिम हैवान है, उन हैवानों को फांसी देना चाहिए। सत्या जो बोल रहा है वो सही है। सत्या, सॉरी सत्या। क्यों जी, अनशन में जो बैठेगा वो क्या गांधी बन जाएगा? वो हमारे आदमी के लिए काम करता था, उनके बीच पैसों का मामला था इसलिए गुस्से में चला गया। उसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है और आप इंटरव्यू लेने आ गए। देखिए, इस वीबीआर की राजनीति में ये सब होते रहता है, कोर्ट में देखूंगा उसे। सर, खून होने का कोई भी सबूत नहीं है, सच्चाई की जीत होनी चाहिए, ये क्या मुमकिन है? सच्चाई का मतलब क्या है? भगवान, सच्चाई ही भगवान है। अगर कोई सच्चाई के लिए लड़ रहा है, स्वयं भगवान आकर उसके लिए लड़ेंगे।
भगवान के सृष्टि किए हुए संसार में क्या भगवान ही हार जाएंगे आप ऐसा बोलते हैं? वो सत्या कौन है, क्यों अनशन में बैठा है? उसका कहना है कलेक्टर लीलावती का पूर्व मंत्री वीवीआर ने खून किया है, उसके साथ जनता भी लड़ाई कर रही है। आपने क्या एक्शन लिया है? पुलिस की छानबीन के बावजूद भी उनकी हत्या हुई थी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है सत्या को विपक्ष पार्टी वाले, वो एक साधारण मैकेनिक है, अकेले उसने लड़ाई शुरू किया था, अभी उसका साथ जनता भी दे रही है। एक अकेला आदमी को इतना सपोर्ट? बस जला देना, बिल्डिंग को तोड़ना, पेड़ काटना, दुकानें बंद करना, क्या ये मोर्चा है? देखिए हमारे सत्या को अनशन करके लड़ाई कर रहा है, वही है सच्ची लड़ाई। सत्या के अनशन के बारे में आपको क्या बोलना है? हम सब सत्या के साथ है मैडम। जाओ सालों, तुम सब सत्या के साथ जाकर मर जाओ। अनशन करेंगे, ये सब साथ दे रहे हैं साथ, पागल जनता। आप टेंशन मत लीजिए मालिक, हमने सारे सबूत मिटा दिए, सीबीआई भी आएगी तो कुछ सबूत नहीं मिलेंगे। ए, हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, मोर्चा के एक एक मिनट बीतने में मेरा इमेज डैमेज होता जाएगा, फिर राजनीति में कभी री एंट्री नहीं होगा, एक ही बार में एग्जिट हो जाऊंगा। अबे वो तो ऑलरेडी राउडी था ना, तुम किसी को भेजकर उसे टपकवा दो, सच्चे आदमी को खूनी ने मार डाला है बोल कर केस पलट देंगे, भेजो सारा। ए, आप क्यों इतने शांत खड़े हैं, किसी एक को फोन तो करो। नहीं मालिक। क्या हुआ रे तुमको? अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ सत्या की वजह से, और मैं उसे ही जाकर। देखिए मालिक, वो गांधी और कामराज के रास्ते पर चलकर अनशन में बैठा है, उसने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, हम लोग तो उस महान नेता के जमाने में पैदा हुए हैं। क्यों मालिक, पैसों और कुर्सी का पागलपन कब तक करेंगे? मालिक हम लोग बहुत पाप कर चुके हैं, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। भैया जी आपने मेरी आंखें खोल दी, आपके जैसे आदमियों को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए, आपने मेरी आंखें खोल दी। भाई उराव को फोन करो सालो। ओके सर, ओके। ए, चलो यहाँ से। ठीक है सर। ए, चलो यहाँ से, चलो। सत्या नमस्ते, जब तक बदन में गर्मी था तो तलवार लेके घूमते थे, अभी ठंडा हो गया, अभी गांधी जी सही है बोल रहे हो? अरे अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में अंग्रेजों को फिल्म दिखाया था, तुम तो साउंड इफेक्ट के साथ दिखा रहे हो। देखा रे टीवी में देखा, जान रहने तक अनशन में बैठेगा, क्यों रे इतना टाइम वेस्ट, अभी जान देते, मैं जान ले लेता हूँ। रुक जा। ए, अनशन में बैठने वाले सभी कायर नहीं होते, और तेरे जैसे तलवार उठाने वाले सभी वीर नहीं होते। अगर महात्मा गांधी चाहते तो आधे घंटे में इंडिया में रहने वाले सभी अंग्रेजों को जलाकर राख कर देते, उतना उनके पास पावर था, उतनी ही जनता उनके पीछे थी, लेकिन वे अंग्रेजों को भी हमारे जैसा इंसान समझते थे, इसीलिए वो आज भी महात्मा बनकर जिंदा है। अभी क्या बे, मैं कायर हूँ कि वीर हूँ तुझे मालूम करना है, बस इतना ही ना, तुम्हारे लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं पुराना सत्या बन जाता हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे टपका डाल।
मैं चाहता तो तुझे ही नहीं, तुझे भेजने वाले को भी काट के साबित कर देता। ऐसा नहीं करना है इसलिए बैठा हूँ। ये कायरता है ऐसा गलत हिसाब मत करना। भाग! जब तक मैं इस लड़ाई को जीत नहीं जाता, तब तक मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा। तेरी जान तो कुछ हो जाएगा सत्या। इस सत्य के जान की कोई अहमियत नहीं है, सच्चाई की जीत होनी चाहिए, यही जरूरी है। वडापल्ली गांधी मार्केट में अनशन पर बैठे हुए सत्या की हत्या करने की कोशिश। छुपे हुए किसी शख्स ने उन पर गोली चलाई है। चिकित्सा को नकारते हुए सत्या की अनशन जारी है। आपका साथ देने वाले सभी तरफ हंगामा मचा रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? मार काट कभी भी परमानेंट जीत नहीं दिला सकती। कुछ लोग जो जानवर बन गए हैं, उनको इंसान बनाने के लिए महात्मा के दिखा रास्ते पे इस लड़ाई में आगे बढ़ा था। कोई साथ देने के बहाने मार काट में उतर आए तो मेरी लड़ाई गलत हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मार काट मत कीजिए, ये सब बंद कीजिए। न्यूज वाले तो तोड़फोड़ बता रहे थे, लेकिन यहाँ तो सब क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया सर, ऑटोमेटिकली वो यहाँ से चले गए सर। तुम क्या बोल रहे हो? आंदोलन में ऐसा तोड़फोड़ मारकाट करना गलत है, ऐसा सत्या ने टीवी में बोला था, उसको देखते ही यहाँ से सब लोग चले गए। देखे सर, सत्या के साथ कितने लोग अनशन में बैठे थे, मारकाट कर रहे थे, उसकी एक ही बोली पर सब बंद हो गया। गांधी मूर्ति के सामने सत्य अकेला नहीं है सर, सच्चाई है, वो जरूर जीतेगा सर। तुम भी उसके जैसे पागल हो गए हो क्या? सच्चाई की जीत होगी, कैसे होगी जीत? सर वीवीआर का पीए संक्रमण बात कर रहा हूं। मुझे कैद कर लीजिए सर। सर लीलावती को मैंने ही जलाकर मारा था, मुझे कैद कर लीजिए। क्या सर आप क्या देख रहे हैं? अभी तक मैं जानवर जैसा ही था, लेकिन अब इंसान बन गया हूं। मैं खुद से नहीं बदला, उस सत्या ने मुझे बदल दिया। मार, 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 मार,
मुझे मत मारो भाई, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मत मारो, मत मारो, माफ कर दो मुझे, नहीं मुझे मत मारो, मैं बदल गया। हटो हटो, ये आदमी मरेगा तभी ये देश सुधरेगा। नहीं नहीं नहीं, मत चला मत चला मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं विनती करता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत जलाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मार काट कभी भी परमानेंट जीत नहीं दिला सकती। कुछ लोग जो जानवर बन गए हैं उनको इंसान बनाने के लिए महात्मा के दिखा रास्ते पे इस लड़ाई में आगे बढ़ा था, कोई साथ देने के बहाने मार काट में उतर आए तो मेरी लड़ाई गलत हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मार काट मत कीजिए। सुना साले, वो क्या बोला सुना? तुझे इंसान में बदलना है, उससे हमारा क्या संबंध है? मामा है, भांजा है, क्यों हम सब उसका सपोर्ट कर रहे हैं? भूख क्या है तुझे मालूम है? पेट में जब जलन होती है तुझे मालूम है? हमें मालूम है उसका जलन, हमें मालूम है उस सत्य के मन में कितना जलन होता रहेगा। पेट के जलन को भूल कर अनशन पे बैठा होगा, इसलिए उसके बातों पर हम विश्वास करते हैं। सच्चाई भी एक आग के जैसी है, मन के अंदर की आग है। कन्नगी के मन में जो आग था वही मदुरई को जला दिया। उस सत्या के मन में जो आग है एक दिन तुझे भी जलाकर राख कर देगा, इसलिए भगवान ने हमें जलाने से रोक दिया। लेकिन जलाएगा बे, तुम लोग सबको जलाकर राख कर देगा। चलो हम चलते हैं। सच्चाई को जिताने के लिए वहां सत्य अनशन में है, उसको खत्म करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी बातों से आज मेरी जान बच गई है। जब मैं मौत के मुंह में खड़ा था तब मुझे जिंदगी की समझ आई, मुझे जिंदगी का महत्व समझाने वाला सत्य ही है सर। हिंसा के रास्ते पर चलने वाला आज अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है। मैं इस गांधी का ढोंग करके राजनीति में बहुत अन्याय किया हूं सर, पैसों के लिए और कुर्सी के लिए इस जनता को धोखा देकर कितने ही सच्चाई को छिपाया हूं। घूस मार काट खून खराबा ऐसे मैंने बहुत पाप किए हैं। उस लीलावती को जलाते वक्त मैं खुशी से हंस रहा था सर, लेकिन अभी मेरे अंदर की आत्मा मुझे जला रही है सर। सर अरेस्ट कर लीजिए सर, कानून मुझे जो भी सजा देगी मुझे मंजूर है सर, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सत्या तू जीत गया रे, सच्चाई की जीत हो गई, सत्या जीत गया, बीबीआर को गिरफ्तार कर लिया। बीबीआर ने पूरी सच्चाई बताकर सरेंडर कर दिया, तुम्हारी सच्चाई की वजह से ही उसका मन बदल गया। इस जमाने में भी हिंसा से जीत हो सकती है, तूने साबित कर दिया रे। ए सत्या, 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 तुम जीत गए रे, सत्या, तुम जीत गए सत्या, उधर सत्या, सत्या, सत्या। सत्या तू जीत गया रे, गुनेगारों को उनकी सजा मिल गई, अहिंसा के रास्ते से भी तू जीत गया रे।